मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, कलश स्थापना करने की विधि क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान से माता दुर्गा का व्रत रखने से तन मन और आत्मा शुद्ध होती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माता दुर्गा का व्रत रखने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है, लेकिन कलश स्थापना करने के दौरान कुछ विशेष नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके माता की चौकी लगाएं। इस पर लाल रंग का साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर देवी माता की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली यानी पीले और लाल रंग का जो कच्चा धागा होता है उसे बांध लें। फिर कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा घास और रुपये का सिक्का डाल दें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें और फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद माता दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद माता दुर्गा का पूजा करने के लिए सभी पूजन सामग्री को पूजा स्थान पर एकत्रित कर लें, फिर पूजा शुरू करें।